Hello everybody. In this session, we will learn the next type of inheritance, that is hierarchical inheritance. So in the hierarchical inheritance, there is only one base class, also known as parent class, and multiple derived classes, also known as child class. Okay, so as you can see in the diagram, there is only one base class and number of child classes, like child class 1, child class 2, child class 3. It has a tree like structure. Okay, you must have seen the tree structure in the data DSU subject. Okay, so base class is parent class and child class are siblings of tree. Siblings like child 1, child 2 and child 3 are the siblings. Okay, so we gonna solve this program. So the first class is employee and data members are ID and name. Okay, and derived class is worker and data member is salary. Okay, and second derived class is manager and data member is address. Okay, so there are two derived classes and two last derived classes. So we have to create objects of two classes, like we have to create object of worker class as well as manager class, and we will write employee as class employee. Okay, worker as class worker, inheritance operator public employee, and manager as class manager, inheritance operator public employee. Okay, so we're gonna solve this program. So as you can you have seen in the diagram, so the first class is employee. Okay, class employee. Okay, and it has data members like name and ID, int ID, char name. Okay, so the class ends here. The second class was worker. Okay, class worker, inheritance operator public EMP. Okay, so as you have seen in the diagram, a worker is the last derived class. ठीक है, मतलब worker से और कोई class derived नहीं हो रहा है. ठीक है, so we can accept the data members as a private. Okay, like it has data member int salary. Okay, public void except. ठीक है, वर्कर से कोई क्लास डिराइव नहीं हो रहा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वर्कर में फंक्शंस लिखने पड़ेंगे. ठीक है, एंड वी विल एक्सेप्ट आईडी, नेम एंड सैलरी फॉर द क्लास वर्कर. ओके, सी आउट, इंटर आईडी, नेम कॉमा सैलरी, सी इन आईडी, नेम सैलरी. ओके, सो द सेकेंड फंक्शन इज वॉइड डिस्प. ओके, इन वॉइड डिस्प सी आउट, हम लोग क्या डिस्प्ले करने वाले, आईडी, आईडी एंगल, सी आउट, नेम, नेम एंगल एंड सी आउट सैलरी. ओके, एंटर,
हैंडल. ओके सो द क्लास एंड्स हियर. ओके नेक्स्ट डिराइव्ड क्लास व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय वाज मैनेजर क्लास मैनेजर. ओके इनहेरिटेंस ऑपरेटर पब्लिक एंड ये डिराइव किसे हो रहा था एम्प्लॉय से ई एम पी. ओके नाउ दिस अगेन ऑल्सो ए लास्ट डिराइव क्लास. मतलब ये दो क्लास जो है वर्कर एंड मैनेजर जो लास्ट डिराइव क्लास है मतलब वो क्लास से कोई क्लास डिराइव नहीं हो रहा है. इसलिए हम लोग को इसमें भी क्या करने पड़ेंगे फंक्शन यूज करने पड़ेंगे. इसके भी डेटा मेंबर तुम लोग प्राइवेट में रख सकते हो. तो हम लोग इसका डेटा मेंबर जो क्या था एड्रेस ठीक है प्राइवेट में ही रखेंगे. पब्लिक में दो फंक्शन यूज करेंगे void get data. ठीक है नाउ ये क्लास में हम लोग क्या क्या एक्सेप्ट करने वाले हो cout enter id comma name comma address. ओके cin id name address. ओके सी यार कि इधर डेटा का डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है. तुम लोग सोचोगे कि वर्कर में भी आईडी लिया वर्कर में भी नेम लिया इसमें भी आईडी लिया वैल्यू एक्सेप्ट किया इसमें भी नेम वैल्यू एक्सेप्ट किया. ठीक है इसमें जो आईडी एंड नेम एक्सेप्ट किया है वो वर्कर का है. वर्कर का आईडी होगा वर्कर का नेम होगा एंड वर्कर का सैलरी होगा. इधर जो डेटा तुम लोग एक्सेप्ट कर रहे हो वो मैनेजर का आईडी होगा ठीक है एंड मैनेजर का नेम होगा एंड मैनेजर का एड्रेस होगा. ओके वर्ड पुट डेटा सी आउट आईडी एंड एल सी आउट नेम नेम एंडल. ठीक है सी आउट एड्रेस एड्रेस. ओके सो द फंक्शन एंड्स हियर एंड क्लास एंड्स हियर. ओके नाउ वर्ड मेन. ठीक है तुम लोग ने डायग्राम में देखा होगा कि वर्कर एंड मैनेजर दो अलग अलग लास्ट डिराइव क्लास है. तो उससे कोई क्लास डिराइव नहीं हो रहा है. तो हम लोग को दोनों क्लास की क्या करने पड़ेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे. पहला होगा वर्कर का ऑब्जेक्ट विच इज वर्कर डब्ल्यू डब्ल्यू. वर्कर में कौन सा फंक्शन यूज किया था एक्सेप्ट एंड डब्ल्यू डॉट डिस. ओके नाउ मैनेजर मैनेजर का ऑब्जेक्ट एम एम डॉट गेट डेटा एम डॉट पुट डेटा गेट सी एच. ठीक है आई होप तुम लोग को ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है. ठीक है जैसे ही तुम लोग को डायग्राम दिखता है वैसे ही तुम लोग को प्रोग्राम लिखना है. ठीक है जैसे तुम लोग ने फर्स्ट जो क्लास है उसमें क्या देखा था सिर्फ उसमें इंट आईडी एंड नेम है तो तुम लोग को उतना ही एक्सेप्ट करना है. बट वर्कर एक लास्ट डिराइव क्लास है उससे कोई क्लास डिराइव नहीं हो रहा है. तो उसमें तुम लोग को डेफिनेटली फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे. ठीक है और वो क्लास का तुम लोग को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा सिंस इट इज ए लास्ट डिराइव क्लास. ठीक है अगर तुम लोग वर्कर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो एंड मैनेजर का नहीं करते तो वो मैनेजर का डेटा तुम लोग को डिस्प्ले नहीं होगा. ठीक है अगेन मैनेजर भी एम्प्लॉय से ही डिराइव हो रहा है. मैनेजर वर्कर से डिराइव नहीं हो रहा है. मैनेजर क्लास का लिंक किसको है एम्प्लॉय को है. ठीक है अगेन मैनेजर इज
लास्ट डिराइव क्लास है, उस मैनेजर से कोई क्लास डिराइव नहीं हो रहा है, इसलिए अगेन तुम लोग को उसका डेटा क्या करना पड़ेगा, फंक्शंस लेके एक सब डिस्प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। एंड दोनों लास्ट डिराइव क्लास है, इसके लिए तुम लोग को दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, दोनों क्लास के फंक्शन कॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। इधर तुम लोग के प्रोग्राम में दो डिराइव क्लास है, अगर तीन डिराइव क्लास होंगे तो तीन डिराइव क्लास के तुम लोग को फंक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे, तीन डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा एंड तीन डिराइव क्लास के फंक्शंस कॉल करने पड़ेंगे। एंटर आईडी नेम एंड सैलरी, ये है वर्कर का फर्स्ट आईडी, वन नेम इज एबीसी, सैलरी, ठीक है। एंटर आईडी नेम एंड एड्रेस, ये है मैनेजर का नेम इज पीक्यूआर एंड एड्रेस इज विरार, ठीक है। आईडी इज टू, नेम इज पीक्यूआर एंड एड्रेस इज विरार, ओके। आई होप तुम लोग को ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज तुम लोग को डायग्राम ड्रॉ करना है, जैसे ही डायग्राम में कनेक्शन दिख रहा है, लाइक वर्कर का कनेक्शन है एम्प्लॉय के साथ, तो तुम लोग को वैसे ही डिराइव क्लास लिखना है। अगेन मैनेजर है क्लास, अगेन कनेक्टेड विद द एम्प्लॉय, तो वैसे ही तुम लोग को लिखना है, ठीक है। ओके, नाउ आई वांट यू टू सॉल्व दिस प्रोग्राम, ओके। सो द फर्स्ट क्लास इज शेप एंड इट हैज डेटा मेंबर्स लेंथ, ब्रेथ, हाइट एंड बेस, ओके। फर्स्ट डिराइव क्लास इज ट्राइंगल एंड इट हैज डेटा मेंबर एरिया टी, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एंड सेकेंड डिराइव क्लास इज रेक्टेंगल एंड इट हैज डेटा मेंबर एरिया आर, ओके, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके। सो तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है। आई होप तुम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता है, ठीक है। ये प्रोग्राम सॉल्व करके तुम लोग मुझे सेंड करने वाले हो, ठीक है। कोई भी तुम लोग को डिफिकल्टी होगा तो हम लोग ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।